अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा खान रेसिपीज़ एंड व्लॉग्स। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सभी लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश मसाला करी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको घर में बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आप वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ हमने फ़िश ले ली है, यहाँ मैंने 1 kg फ़िश ले ली है, 1 kg ये मछली है और 1 कांटे वाली मछली मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, यही हम लोग घर में खाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको फटाफट से बताना स्टार्ट करती हूँ कि हम पहले सबसे पहले फ़िश को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कटोरी दही और दही का जो पानी है वो मैंने छलनी में रखकर एकदम निकाल दिया है, एकदम सुखा लिया है। जितना हो सके दही का पानी आप निकाल दीजिए। और 1 चम्मच मैंने यहाँ डाल दिया है लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच मैंने यहाँ डाला है अदरक का पेस्ट। तो फ्रेंड्स लहसुन अदरक में भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सूखा ही उसको रखिएगा। इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है सूखा पाउडर, तो मैंने अभी पिसा हुआ ही डाला। अगर आपके पास सूखा अवेलेबल हो तो आप लहसुन अदरक का सूखा पेस्ट डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ डाल दिया है हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दी है रेड चिली पाउडर, ठीक है। और यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नमक हम थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि बाद में हमें ग्रेवी में भी डालना है तो ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। और 1 चम्मच हमने यहाँ डाल दिया है धनिया पाउडर। तो अब सारी चीज़ों को मैं हाथ से इस तरह से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करिए मसालों को, क्योंकि जो है हमारी फ़िश के ऊपर अच्छी से उसकी कोटिंग हो जाए। तो हाथों से हल्के हाथ से हमें इसको मसलना है और इस तरह से मिक्स कर लेना है सारे मसालों को। तो यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, देखिए। और इसको हम ढक देंगे और इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई, गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। बिस्मिल्लाह करके चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश मसाला करी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच भर के तेल, ठीक है। तो हम ऑयल, सरसों के ऑयल में इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसमें मैं ऑयल जो है यूज़ जो कर रही हूँ, तो मैं इसमें चिकन फ्राई कर चुकी हूँ वही वाला मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से, हम यहाँ पर हो गया है आधा घंटा, तो हमने फ़िश को निकाल लिया है फ्रिज से बाहर और हम थोड़ा थोड़ा चार पीस करके एक एक बार में मैं सारे पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लूँगा दोनों साइड से। फ्रेंड्स आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है, एकदम करारा होने तक इसको हमें फ्राई करना है। और हल्के हाथ से आप इसको पलटिए क्योंकि फ़िश के जो पीस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जो मछली का गोश होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो एकदम टूट जाता है। तो हल्के हाथ से इसको पलट पलट कर आप क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है बहुत अच्छा सा एक साइड से, तो हम दूसरी साइड से हम पलट देंगे और इसी तरह से पलटते हुए दूसरी साइड भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए फ़िश जो है, एक बार में मैंने 4 पीस जो है फ्राई कर लिए, फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और एकदम क्रिस्पी हो गई है। देखिए अब बहुत ज़्यादा ये फ़िश जो है बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, चटकती है, तो आप लोग बहुत ही केयरफुली ये वाला स्टेप करें, बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं इसकी। पानी हमने सुखा लिया था, फिर भी थोड़ा बहुत पानी मछली में रहता है। तो यहाँ पर देखिए 4 पीस हमने फ्राई कर लिए, बाकी के भी सारे इसी तरह से मैंने फ्राई कर निकाल लिए हैं। माशाल्लाह देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, आप इसको ऐसे भी फ्रेंड्स खा सकते हैं और ऐसे ये खाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जिनको आँखों की तकलीफ़ रहती है वो इस तरह से मछली को फ्राई करके खाइए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। तो फ्रेंड्स चलिए इसको अब हम उसी जिस ऑयल में हमने मछली फ्राई करी थी उसी ऑयल में हम फटाफट से अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ लगभग 2 चम्मच मैंने ऑयल डाले थे, तो ऑयल डालना था तो 1.5 चम्मच बाकी रह गया है, बाकी मैंने इसमें डाला नहीं क्योंकि फ़िश भी जो है ऑयल छोड़ती है। तो हमने 1/2 चम्मच इसमें डाल दी है मेथी के दाने और मैंने 1 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया है। और अब मैं दोनों चीज़ों को इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लूँगी, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें प्याज को फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो यहाँ मैंने अब डाला है लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और 1 चम्मच हम यहाँ डालेंगे अदरक का पेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हमने मछली में भी अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। तो यहाँ पर हम छोटा चम्मच है तो मैंने लगभग
एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट और एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका जो स्मेल होती है एकदम कच्ची स्मेल इसकी निकल जाएगी लहसुन अदरक की, तब तक हम इसको भून लेंगे अच्छे से और लगभग 2 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर हमारा लहसुन अदरक भून चुका है, तो फ्रेंड्स फटाफट से आप डालते हैं इसमें हम, ये मैंने टमाटर 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको मैंने पीस लिया था मिक्सर में, तो इस तरह से पीस कर आप डालिए, इससे ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा थिक बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। और जो हमने फ़िश मैरिनेट करी थी तो उसका मसाला भी जो बाकी थोड़ा रह गया था बर्तन में, मैंने उसको भी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैं जैसे आपसे कहती हूँ खाने की कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए साथ ही साथ डाल देते हैं कुछ इसमें पिसे हुए मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 चम्मच डालेंगे रेड चिली पाउडर और यहाँ 1 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर। लगभग 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स इससे पहले मैंने डाला था धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी से छोटी चम्मच लगभग मैंने 2 चुटकी डाली है हल्दी पाउडर। और यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने 1 छोटी चम्मच यूज़ करा है। और नमक डालेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1 चम्मच, ठीक है। तो बाद में हम चेक कर लेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको चलाते हुए अच्छी तरह से भून लीजिए सारे मसाले को, इसमें से कच्चापन एकदम निकल जाएगा। इसको तेल छोड़ने तक का, अच्छे से ये ऑयल छोड़ेगा तब तक हमें इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मसाला देखिए कितना बढ़िया सा हमारा एकदम भुन गया है, ऑयल छोड़ने लगा है, कलर भी कितना बढ़िया आ गया है। तो अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी दही। आधी कटोरी मैंने फ्रेंड्स 1 कटोरी भर कर लिया था, आधी कटोरी मैंने मछली मैरिनेट कर रही थी तो वो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने उसमें यूज़ करा है। आधी कटोरी हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और खट्टापन आएगा, ग्रेवी भी हमारी एकदम गाढ़ी बनेगी। तो सारी चीज़ों को इस तरह से, दही को इस तरह से एक ही साइड से चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। और आपको फ्लेम जो है गैस की वो एकदम मीडियम पर रखनी है ताकि हमारा जो दही है वो मसाला हमारा ख़राब ना कर दे, फट ना जाए। तो देखिए ऑयल छोड़ दिया है अच्छा सा। अब हम यहाँ पर पानी लगाएंगे, तो पानी आप जैसा ग्रेवी आप पसंद करें वैसा आप यहाँ पानी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पतला रखना है तो आप ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 1 कप मैंने पानी यूज़ करा है क्योंकि हमने फ़िश जो है 1 kg ली है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर पूरा 1 कप पानी डाल दिया है, जिसे हम बड़े कप से, जिसे कॉफ़ी पीते हैं तो बड़े कप से, और अगर आप छोटे कप से डाल रहे हैं तो आप 2 कप पानी डाल सकते हैं। तो बस पानी का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको पकाना है। देखिए इसमें बॉयल आने लगा है अच्छा सा, तो देखिए पानी जो है वो अब मसाले के साथ अच्छे से पक गया है। लगभग 3 मिनट तक का मैंने इसको पकाया है पानी डालने के बाद मसाले को। उसके बाद अब हम जो हमने फ्रेश फिश जो है फ्राई करके रखी थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और बहुत हल्के हाथ से इसको, थोड़ा सा बस हमें ज़्यादा चलाना नहीं है, हल्के हाथ से बस 1-2 बार इस तरह से नीचे से इसको चलाएंगे और ताकि हमारे जो फ़िश के पीसेस हैं वो टूटे नहीं। तो बस फ्रेंड्स मछली डालने के बाद हम इसको लगभग 1 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमारी, क्योंकि मछली भी हमारी एकदम फ्राई करा था हमने, एकदम सॉफ्ट हो गई थी, गल गई थी अंदर से, तो यहाँ हम ज़्यादा नहीं इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो है मछली एकदम रेडी हो गई है, तो 1 मिनट तक हो गया है। गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और यहाँ हम फ्रेंड्स इसमें डाल रहे हैं ऊपर से कसूरी मेथी जो कि मैंने क्रश कर रख ली थी रोस्ट कर पैन पर, उसके बाद मैंने हाथों से क्रश करी है और इसको मैंने डाल दिया है। लगभग मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी इसमें डाली है और यहाँ कुछ मैंने हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया काट कर डाल दिया है इसमें। कसूरी मेथी से इसकी खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मीडियम फ्लेम थी तो हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मछली मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा चटकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश मसाला करी जो है बनकर रेडी हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की आपको रेसिपी हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिल्कुल, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स फटाफट से अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होती है अच्छी सी रेसिपी के साथ।
तो आज के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।